हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों में करें इन 5 चीजों का दान। जी हाँ दोस्तों, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति और दोस्तों आपके हर काम जरूर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं दोस्तों पितृपक्ष के दौरान यदि आप इन 5 चीजों का दान करते हैं तो आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बरसेगा और आपके नौकरी व्यापार में आ रही अड़चने तुरंत हट जाएगी, यानी कि आर्थिक तंगी आपकी छू मंतर हो जाएगी, जो बिगड़े काम है वो बनने लगेंगे और पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर 1, पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए चांदी की वस्तु का दान अवश्य करें। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अवश्य करें। नंबर 2, इसके अलावा आप पितृपक्ष में चावल और गेहूं का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप गेहूं चावल के साथ तिल का दान करते हैं तो जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानी दूर होती है, साथ ही कुंडली में बुरे ग्रह का असर मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों नंबर 3, सनातन धर्म में भूमि के दान को महादान माना गया है। पितृपक्ष के दौरान गरीब लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार भूमि का दान अवश्य कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अवश्य करें। नंबर 4, इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है और सुख शांति रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों नंबर 5, हिंदू धर्म में गाय के दान को उत्तम दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का दान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोस्तों पितृ को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये अवश्य करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।